अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है रेक्टेंगुलर वेव कट जो है स्टार्ट किए थे, उसी टॉपिक पे हम कंटिन्यू करेंगे। जो 13वें सेक्शन आपकी बुक के जो है सेक्शन 12.3 और सेक्शन 12.4 है। तो कुछ रिव्यू कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। जो है तो बेसिकली हमने कहा था कि वेव गाइड्स बेसिकली जो है आपके पास एक हालो रेक्टेंगुलर मेटालिक पाइप्स हैं। आप रेक्टेंगुलर वेव गाइड को सिंपली आप कंसिडर करें तो आप एक हालो रेक्टेंगुलर मेटालिक पाइप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, उसमें अगर हमने वेव प्रोपगेशन देखनी है जो है, तो लेट्स से हमारे क्वार्टनर सिस्टम अगर हमने इस तरह रखे हैं, जो क्रॉस सेक्शन है आपके पास जो है, ये जो क्रॉस सेक्शन है जो है, ठीक है, उस ये आपके पास यानी एक्स कोऑर्डिनेट इधर है और वाई है, तो ये बेसिकली जो है आपके पास एक्स वाई प्लेन, इसको हम बाद दफा ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन में हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं और जो वेव प्रोपगेट कर रही है जो है वो अलॉन्ग जी डायरेक्शन है, और अब इसको हम जो है लॉन्गिट्यूडनल जो है डायरेक्शन भी कहते हैं, जो कि ऑर्थोगोनल ट्रांसवर्स डायरेक्शन से। तो इस केस में जो है हम बेसिकली इंटरेस्टेड हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस वेव गाइड्स में क्या होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल जो है आपके पास जो है और मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑब्वियसली वेक्टर्स होंगे जो है, और वेक्टर फंक्शन है जो है इन एक्सप्लिसिटली अगर हम कहें तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है और दे आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी जो है इन फेजर कोऑर्डिनेट। हमने ये कहा कि इन जनरल तो ये एक्स वाई जी जो है तीन अननोन तीन कोऑर्डिनेट के फंक्शन है जो है, उसको हम जो है उसकी फंक्शनल डिपेंडेंस को हम डिवाइड कर सकते हैं एक्स वाई जो डिपेंडेंस है जो है, जो कि ट्रांसवर्स प्लेन में जो डिपेंडेंस है जो है फंक्शनल, उसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो जी डायरेक्शन में जो है उसमें हमें पता है कि वेव कोई ट्रैवलिंग वेव होगी आपके पास, तो उसको हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गामा जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे वैसे जो है एक क्वेश्चन है मेरे ज़हन में, अगर ये ट्रैवलिंग वेव होनी चाहिए जो है, ठीक है, वेव अगर ट्रैवल कर रही है तो इस प्लेन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जो एक्स और वाई प्लेन में? अननोन तो है लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ट्रैवलिंग वेव ही होगी जो है, क्या होगी जो है? बेसिकली क्या होगा, अगर एक वेव लेस से अज्यूम करें कि हम जा रही है जो है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, फुली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मेटालिक है, एक स्टैंडिंग वेव बननी चाहिए बेसिकली, और इस तरह वाई प्लेन में भी स्टैंडिंग वेव बननी चाहिए। इन जनरल जो है हम बेसिकली जो है जो अगर कंसेप्चुअली देखा जाए या इंट्यूटिवली देखा जाए, तो यहाँ पे बेसिकली हम दो स्टैंडिंग वेव एक्स और वाई प्लेन में देख सकते होनी चाहिए, और ट्रैवलिंग वेव होनी चाहिए आपके पास जी डायरेक्शन में। तो वो जो है जी डायरेक्शन में हमें पता है कि ट्रैवलिंग वेव है जो है, तो हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गामा जी उस वेरिएशन को अलग करके बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ट्रांसवर्स वेरिएशन जो है वो अननोन है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन है जो जी डायरेक्शन में जो है वो एक नोन है जो हमें पता है एक ट्रैवलिंग वेव होनी चाहिए। ये फंडामेंटल डेफिनेशन है हमारे पास गाइडेड वेव अलॉन्ग जी डायरेक्शन की। अच्छा, उसके अलावा जो है क्योंकि वेक्टर नेचर है आपके पास जो है, तो फंक्शनल डिपेंडेंस के अलावा आपके पास जो है वेक्टर होने की वजह से उसके एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा और जी कंपोनेंट होगा। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का भी जो है सेम एक्स वाई और जी कंपोनेंट होगा, और इसमें एक्स और वाई जो कंपोनेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो बेसिकली उनको लैसे हम एच टी कंबाइन कर सकते हैं जो है, तो ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, यानी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं हम उनको ट्रांसवर्स कंपोनेंट कह रहे हैं, और जो Z कंपोनेंट है जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलॉन्ग है जो है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट कह रहे हैं। उसके अलावा जो है हम वेव गाइड जो है हम हमारी जो अजम्पशन है जो है ये गामा जो है अब हम बेसिकली लॉसलेस वेव गाइड अज्यूम कर रहे हैं जो है, जिसका मतलब ये होगा कि आपका गामा जो है जे बीटा है, ठीक है, अल्फा हमने अज्यूम कर रहे हैं कि जीरो है, और बीटा जो है क्योंकि Z डायरेक्शन में आपके पास वेव ट्रेवल कर रही है जो एक्सपोनेंशियल ऑफ लेसे माइनस जे बीटा जी होना चाहिए जो है, अगर आप मैं एग्जैक्टली एक्सप्लिसिटली लिखूं तो ये आपकी ट्रेवलिंग वेव होनी चाहिए जो, और जी डायरेक्शन में है तो उसको हम यानी के जी भी कह सकते हैं कि जी डायरेक्शन में ये प्रोपगेशन कांस्टेंट है। एट दिस पॉइंट
जो है अननोन है, हमें पता नहीं है, लेकिन बहरहाल जी डायरेक्शन में ये प्रोपगेशन कांस्टेंट है। इसके अलावा जो है हमने ये देखा लास्ट लेक्चर में कि मैक्सवेल इक्वेशन को लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट में डीकम्पोज किया जा सकता है। नेचुरल रिजल्ट जो है ये ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल फील्ड रिलेशनशिप्स आती हैं, जिसको हम गाइडेड वेव थ्योरम भी कह रहे थे। अच्छा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है जो है आपके पास कि जो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट है जो है ये जो ई जी और एच जी है जो आपके पास जो है ये अगर आपको पता हो जो है दो कंपोनेंट का है तो आपके पास जो है ये जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है जो है जो कि एक्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स और वाई कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो है एक्स और वाई कंपोनेंट है ये आप फाइंड कर सकते हैं। तो इन जनरल आपके पास हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड के तीन कंपोनेंट छह अननोन्स हैं, लेकिन अभी विद हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल रिलेशन जो है हमें ये पता लगा है कि हमें बेसिकली जो है थे दो कंपोनेंट चाहिए ई जी और एच सी। वंस हमें ये पता लग जाएंगे तो हम इन एक्सप्रेशन में प्लग इन करके ये लॉन्गिट्यूड जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है एक्स वाई और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो हम फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक कट ऑफ वेव नंबर डिफाइन किया था जो है ये आपके पास के स्केयर प्लस गैमा स्केयर जो है ये देखें ये टर्म जो है चारों क्वेश्चन में आ रही है जो है तो उसको हमने डिफाइन कर लिया के सी स्केयर जो है। और गैमा जो है चूंकि हमारे पास जे बीटा जो है लॉसलेस केस के लिए जो है तो उसमें प्लग इन करें तो ये नंबर आ जाता है। और फिर हमने ये कहा था कि बीटा जो है वो तो जैसे पिछले स्लाइड में मैंने रिपीट किया कि बीटा जो है आपके पास जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो कि जी डायरेक्शन है जो है उसके अलांग जो है प्रोपगेशन कांस्टेंट है उसको हम जी डायरेक्शन या के जी भी कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो के सी है जो कट ऑफ वेव नंबर है जो है वो जो एक्स वाई प्लेन है आपके पास ये एक्स प्लेन है ये आपके पास वाई प्लेन है उसमें बेसिकली जो है आपके पास ये कट ऑफ वेव नंबर इसको रिप्रेजेंट कर ये के एक्स स्केयर और के वाई स्केयर जो है उससे रिलेटेड है। बीटा जो है इसको हम के जी कह सकते हैं और इसके में जो ट्रांसवर्स प्लेन है उसमें आपके पास एक कट ऑफ वेव नंबर है जो कि के एक्स और के वाई पे डिपेंड करता है तो एक्स और वाई डिपेंडेंट आप उसको वेव नंबर कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है हमने जो फाइंड चीज करनी है जो है हमें एक ई जी चाहिए और एच जी चाहिए ताकि इसकी मदद से हम ई एक्स ई वाई एच एक्स एच वाई निकाल सकें और एट द सेम टाइम हमें के एक्स और के वाई जो है ये भी अननोन है जो है वंस ये आपको पता लग जाएंगे जो है तो आप इसकी मदद से ये कट ऑफ वेव नंबर पता लग जाएगा आपके पास। और वंस ये पता लग जाएगा आपके पास कि कट ऑफ वेव नंबर क्या है जो है तो इसको आप बैक प्लग इन करके यहाँ पे जो है उससे बीटा निकाल लेंगे ये जो है बाई द वे जो है के स्केयर जो है ये आपके पास ओमेगा स्केयर म्यू एप्सिलॉन है ठीक है या इसको आप जो है ये यानी एक नॉन क्वांटिटी अगर फ्रिक्वेंसी पता है और जो वेव गाइड है उसके अंदर जो है एप्सिलॉन और म्यू की वैल्यू पता है तो ये अच्छा तो इसका मतलब ये है कि अब हमें ये फाइंड करनी है जो है ये ई जी एच एच जी और के एक्स के वाई तो ये कैसे फाइंड करें इस क्वेश्चन को हमने आंसर करना है जो है इस लेक्चर में। अच्छा तो हमने ये कहा था कि जो है वेव गाइड में जो है अगर हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड की बात करें जो मोड अगर आपको याद हो वो फील्ड कंफिगरेशन है जो है अगर कोएक्सियल केबल की लस्से में बात करूं तो आपके पास एक इनर कंडक्टर है और एक आउटर कंडक्टर है तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो है ये रेडियली यानी रेडियल डायरेक्शन में जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अराउंड सर्कुलेट कर रहा है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है आपके पास ये लसे इसको मैं जी कह देता हूँ ये जो है ऑर्थोगोनल है या ट्रांसवर्स है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के तो हमने कहा था कि इसमें टी ई एम मोड जो है प्रोपगेट करता है। अब ये क्वेश्चन अगर हम वेव गाइड में देखें जो है तो वेव गाइड में सिंगल कंडक्टर है आपके पास जो है तो उसमें टी एम मोड जो है पॉसिबल नहीं होता जो है उसकी रीजन जो है एक रीजन प्रॉब्ली ये देखी जा सकती है कि अगर आप ये ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल रिलेशन पे वापस आए जो है उसमें अगर ई जी और एच जी दोनों जीरो हैं जो है या डायरेक्शन प्रोपगेशन के अलांग कोई जी कंपोनेंट नहीं है जो है तो आपके पास ये सारी रिलेशन जो है आंसर जीरो आ जाता है। अच्छा तो इसका मतलब ये है अगर आपके पास वेवगाइड मोड में
ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाउंड पॉसिबल नहीं है जो है, तो फिर दो पॉसिबिलिटी हमने कहा था लास्ट लेक्चर में एग्जिस्ट करती है। एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक विद रिस्पेक्ट टू जी ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के ऑर्थोगोनल है बेसिकली। उसमें क्या होगा आपके पास कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दोनों तो जीरो नहीं हो सकते, तो एक दफा हमने ई जी को जीरो कर दिया जो है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो है जो है, और ई जी नॉट इक्वल टू जीरो, इसको हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक कह रहे हैं जो है, मैग्नेटिक फील्ड ऑर्थोगोनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। और दूसरे केस में हम जो है ई जी को जीरो कर देते हैं और एच जी नॉट इक्वल टू जीरो, तो दिस मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ ऑर्थोगोनल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर आपको याद हो उसके तीन कंपोनेंट है एक्स वाई और जी जो है, तो जी अगर ई जी जीरो है जो है और एक्स और वाई है जो है, तो वो बेसिकली ट्रांसवर्स होंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के, क्योंकि एक्स वाई कंपोनेंट ऑब्वियसली ऑर्थोगोनल है जी डायरेक्शन के। तो ये हमारे पास फिर दो पॉसिबिलिटी है, एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक। ये जो मोड्स हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं जो है आपके पास वेवगाइड में। ये हमारा जनरल प्रॉब्लम है, एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड है जो है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे दिखाया गया जो है, ये जो आपके पास ऐसे यहाँ पे जो है इसकी जो बाउंड्री है जो है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, एक प्योर परफेक्ट मेटल है या मेटल समझ लें सिंपल, और उसके इन बिटवीन जो है ये वेवगाइड की जो बाउंड्री है जो है, ये एक मेटल है जो है, ये पी सी है जो, और उसके बिटवीन जो है ये जो आपके पास जो है उसमें इन जनरल आपके पास जो है कोई एप्सिलॉन और म्यू हो सकता है जो है, कुछ इलेक्ट्रिक हो सकता है जो है, यूजुअली जो है हमारे पास एयर होता है, तो उस केस में एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और म्यू जो है म्यू नॉट हो जाएगा। अच्छा, तो बीच में मेरे ख्याल में डिसकनेक्ट हुआ थोड़ी देर के लिए जो अभी, यानी आपको यानी स्क्रीन शेयर्ड है ना जो, बीच में कोई इश्यू तो नहीं है जो, लग तो रहा है ठीक है जो ये। अच्छा ये चले मैं रिपीट कर देता हूँ जो है ना, कि हम बेसिकली रेक्टेंगुलर वेवगाइड स्टडी कर रहे हैं जो है, और उसमें हमारे जो उसका क्रॉस सेक्शन है जो है। अच्छा एक चीज और नोट करें, यहाँ पे जो लॉन्गर डायमेंशन है वेवगाइड की उसको हम ए कह रहे हैं जो, और जो स्मॉलर डायमेंशन है जो है या नैरो डायमेंशन है जो है उसको हम बी कह रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में रेक्टेंगल की जो लॉन्गर डायमेंशन ए है और जो स्मॉलर डायमेंशन है वो बी है। हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह रखे हुए हैं कि एक्स ए जो है एक्स के लॉन्ग है और बी वाई जो है बी के लॉन्ग है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो है आपके पास जो है वो आप अभी मैंने नेट जो है वायरलेस कनेक्ट किया जो है, तो होपफुली ये चलता रहेगा जो है, लगता है अच्छे मौसम में जो है ना नेट नहीं चलता जा। अच्छा तो मैं ऑडिबल तो हूँ ना जो है, यस सर अब आप ऑडिबल हैं।
और हमने अज्यूम करें कि परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर है या कि मेटल है जो हमने बेसिकली इस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है जो है हमने कहा था या सिर्फ इजी दोनों जीरो नहीं हो सकते लेकिन वन जीरो होगा आइदर इजी और एचसी इसको हम स्टडी कर रहे हैं जो है तो अगर हम सिर्फ इजी एग्जिस्ट करता है और एचजी जीरो है जो है उस केस को हम कह रहे हैं एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड और अगर एचजी एग्जिस्ट करता है और इजी जीरो है जो है उस केस को हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड कह रहे हैं तो इन दो स्पेशल केसेस को आज हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा सबसे पहले हम देखने लगे हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली जी डायरेक्शन की बात करें डायरेक्शन प्रोपगेशन के रिस्पेक्ट से हम ऑर्थोगोनल हैं उसका मतलब यह है कि आपके पास ई जी जो है कंपोनेंट जो है एच जी जीरो है जो है और ई जी नॉट इक्वल टू जीरो है उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये अगर डायरेक्शन प्रोपगेशन अगर सी है जो है तो उस डायरेक्शन में आपके पास जो मैग्नेट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है ईजी कंपोनेंट लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट डायरेक्शन प्रोपगेशन के अलांग नहीं है। अच्छा उसके लिए जो है हम सबसे पहले जो है हेल्महोल्ट्ज जो स्केलर वेव इक्वेशन थी जो कि हम चैप्टर 10 में पहले स्टडी कर चुके हैं जो उसको ले जो है ये वैसे कैसे ड्राइव कर सकते हैं क्या आप ड्राइव कर सकते हैं ये इक्वेशन जो कहाँ से आती है अगर आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन मौजूद हो जो है जैसे अगर मैं आपके कहूँ कि मैक्सवेल इक्वेशन से या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको ड्राइव करना जो है लेट्स से अगर आपके पास फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन होती है कर्ल ऑफ ई जो है माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ बी यानी माइनस जे ओमेगा म्यू एच जो है ठीक है ये फर्स्ट कर्ल इक्वेशन है सेकंड कर्ल इक्वेशन जो है कर्ल ऑफ एच जो है जे ओमेगा एप्सिलॉन ई रेट ऑफ चेंज ऑफ डी। अच्छा ये दो वाक्य और कर्ल इक्वेशन है जो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो ठीक है तो आप क्या करेंगे पहले इक्वेशन का कर्ल लेके सेकंड को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लेट्स से अगर हम इक्वेशन वन का कर्ल ले लें जो है तो कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू और कर्ल ऑफ एच जो है आपके पास यहाँ आ जाएगा जो अब इसकी जगह जो है अब ये इक्वेशन टू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे अच्छा ये अगर आप करें जो है तो आपके पास कर्ल ऑफ ई जो है वो आ जाएगा आपके पास माइनस जे ओमेगा म्यू इंटू जे ओमेगा एप्सिलॉन ई जो है तो यहाँ से आपके पास इधर आप वेक्टर आइडेंटिटी लगा सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है आपके पास जो है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस लैप्लासियन ऑफ ई इक्वल टू ये जे स्केयर क्या हो जाएगा माइनस वन एक माइनस पहले का जो है तो आपके पास ओमेगा स्केयर म्यू एप्सिलॉन ई जो है ठीक है ये आ गया। अच्छा नेक्स्ट जो है ये जो डाइवर्जेंस ऑफ ई जो हम सोर्स फ्री रीजन में की बात करें ये जीरो हो जाएगा जो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी तो आपके पास ये आ जाएगा लैप्लासियन ऑफ ई जो है और साथ में जो है लस इसको एक एक तरफ ले जाएं तो ओमेगा स्केयर म्यू एप्सिलॉन ई जो है ठीक है और ये ओमेगा स्केयर म्यू एप्सिलॉन ई जो है आपके पास जो है ये जो टर्म है जो है ये अगर आप इसको अगर हम के स्केयर को अगर डिफाइन कर लें इस ओमेगा स्केयर म्यू एप्सिलॉन है जो है के जो है यानी बाय डेफिनेशन ओमेगा म्यू एप्सिलॉन है जो इस तरह हम डिनोट करें अपने माइक काइंडली म्यूट कर लें कल की जो है प्लस के स्केयर इक्वल टू जीरो आ गए माइक काइंडली म्यूट कर लें जो है
अच्छा, ये आपके पास जो है आपके पास वेक्टर वेव इक्वेशन जो है, ये हेल्महोल्ट्ज़ वेव इक्वेशन है जो है, अगर ये हमने ड्राइव की थी जो है पिछले जो है चैप्टर 10 में जो है। अच्छा, इसमें जो है अगर आप जो है इसको, ये बेसिकली तीन इक्वेशन, तीन वेव इक्वेशन है जो है। हम सिर्फ अभी जो है जी कंपोनेंट के लिए अगर देखें तो ये बन जाएगी जो स्केलर, आपके पास ये वेव इक्वेशन है जो है, ठीक है। ये इक्वेशन जो है इसको हम यूज कर रहे हैं इसमें जो है, तो ये जो है आपके पास हेल्महोल्ट्ज़ वेव इक्वेशन जैसे मैं कह रहा हूँ जो है, वो ये इक्वेशन है जो कि बेसिकली आपके पास वेव इक्वेशन, स्केलर वेव इक्वेशन है जो कि आप मैक्सवेल इक्वेशन से आप जो है आपने ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, जो बाउंड्री कंडीशन है जो है, क्योंकि हमारा जो है परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर है जो है, ये आपके पास जो है हमने कहा था पी सी है या मेटल है जो है, तो उसका मतलब है कि बाउंड्री कंडीशन ये है कि, और हम कह रहे हैं कि ई जी कंपोनेंट वो नॉन जीरो है जो है, तो जी कंपोनेंट जो है आप अगर देखें जो है वो बेसिकली जो है ये हमारा जी डायरेक्शन है जो है, तो जी कंपोनेंट हम कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में होगा जी, ये ई जी है जो है। तो जी कंपोनेंट अगर आपको याद हो कि टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होता है कंडक्टर पे, ये आपके पास जो है ये देखें ई जी जो है टेंजेंशियल है जो है आपके पास इस प्लेन पे भी, यानी इस वेव इस वाल पे भी, इस वाल पे भी टेंजेंशियल है, इस वाल पे भी टेंजेंशियल है और इस वाल पे भी टेंजेंशियल है। ये चार बाउंड्री कंडीशन आएंगे, ये हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ई जी इज जीरो ऑन बाउंड्री ऑन पी सी वाल पे, सब्जेक्ट टू दीज बाउंड्री कंडीशन हमने इस हेल्महोल्ट्ज़ वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा, और हमारी अजम्पशन ये है कि हमारी चूंकि वेव जो है आपके पास गाइडेड वेव है जो है, तो हमारी इस डायरेक्शन में हमारी ट्रैवलिंग वेव है, तो हम यानी जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है वो अननोन है जो है, यानी जो एक्स वाई जी डिपेंडेंस है उसको हम एक्स वाई डिपेंडेंस और जी डिपेंडेंस को अलग कर लिए। अच्छा, तो यहाँ से अगर आपको जो कर्ल है जो है, जो सॉरी लैप्लासियन है जो है उसको एक्सपेंड करें तो उसको इस तरह लिखा जा सकता है जो पार्शियल स्केयर और पार्शियल एक्स स्केयर इजी प्लस पार्शियल स्केयर पार्शियल वाई स्केयर इजी प्लस पार्शियल स्केयर और पार्शियल जी स्केयर इजी प्लस के स्केयर इजी इक्वल टू जीरो। अच्छा, चूंकि हमारी वेव जो है जी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है विद दिस डिपेंडेंस, तो हमने ये कहा था कि लास्ट लेक्चर में कि पार्शियल अब पार्शियल जी मीन माइनस गैमा, इसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, और पार्शियल अब पार्शियल जी प्लस स्केयर अगर करना है जो है दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू गैमा स्केयर, इसकी जगह जो है हम गैमा स्केयर लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है इस इक्वेशन की जगह मैंने ये गैमा स्केयर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये गैमा स्केयर और के स्केयर जो है आप कंबाइन कर सकते हैं, तो अगर ये आप कंबाइन करें जो है और लेस से हम डिफाइन करते हैं दिस के स्केयर प्लस गैमा स्केयर, जैसे हमने पहले किया था इस के सी स्केयर जो है, ये आपके पास वो कट ऑफ वेव नंबर है जो है, जो कि एट दिस पॉइंट लेस से अननोन है। अच्छा, तो उस फिर हम जो है इसमें अगर ये सब्स्टिट्यूशन करें कि के स्केयर प्लस गैमा स्केयर के सी स्केयर है जो। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमने कहा था कि ई जी जो है, जो कैपिटल ई जी है जो है आपके पास जो है, वो जो है इज इक्विवेलेंट टू स्मॉल ई जी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गैमा जी। ये अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें जो है तो एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो आपके पास ये कट जाएगी जो है थ्रू आउट ऑफ इक्वेशन, तो आपके पास ये जो इक्वेशन है जो है ये स्मॉल ई जी में आ जाएगी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है जो है और इस इक्वेशन में फंडामेंटली डिफरेंस क्या है जो है? हैं तो दोनों ही यानी स्केलर वेव इक्वेशन जो है, फर्क क्या जो है? अगर हम ये सॉल्व करते वेव इक्वेशन जो है तो इसका क्या मतलब होता है फिजिकली, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होगा? इस इक्वेशन का सॉल्व करने का मतलब ये है कि ये क्यों इजी, सिर्फ एक्स और वाई पे डिपेंडेंट है, हम सिर्फ क्रॉस सेक्शन में सॉल्व कर रहे हैं इसको। वेव गाइड जो है उसका जो क्रॉस सेक्शन है ये जो चीज है उसमें हम ये हमने कह रहे हैं ना ये एक्स है और ये वाई है जो है, इसमें बेसिकली हम वेव इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम इजी कैपिटल इजी करते हैं तो हम पूरी थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं जो कि ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए जो है ये बेसिकली आपके पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैथ में जो है एक होपफुली आपने पढ़ा होगा जो है एक मेथड यूज होता है जिसको सेपरेशन ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कहते हैं। उसका आइडिया ये होता है कि इजी जो है यानी जो भी फंक्शन है इसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं जो इस केस में इजी है विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई,
उसकी एक्स डिपेंडेंस और वाई डिपेंडेंस जो है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, तभी इसका नाम है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो हमने इसको कहते हैं कि ईजी इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन कैपिटल एक्स विच इज ओनली अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड अनदर फंक्शन वाई कैपिटल वाई विच इज ओनली अ फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई। तो बेसिकली हमने जो है एक्स डिपेंडेंट, वैसे इन जनरल फंक्शन था आपके पास एक्स और वाई दोनों पे डिपेंडेंट था, हम कह रहे हैं कि एक्स डिपेंडेंट और वाई डिपेंडेंस को सेपरेट किया जा सकता है। ये मेथड बेसिकली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कहलाता है। अच्छा, ये अगर हम अजम्पशन है हमारे पास कि सेपरेशन की जा सकती है, तो फिर आप जो है इससे अगर सब्स्टिट्यूट कर दें इजी को यहाँ पे जो है, तो आपके पास जो है ये क्वेश्चन जो है क्या बन जाएगी, जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास एक्स डबल बार यहाँ पे शो कर रहा है डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर जो है, ठीक है, आपके पास जो है ऑफ इजी को जो है। अच्छा, तो ये बेसिकली जो है, तो ये अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये डबल डेरिवेटिव जो है x के रिस्पेक्ट से आएगा, जो है ये डिफरेंशिएट हो रहा है y एज इट इज आ जाएगा। फिर जब ये क्वेश्चन इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y के हिसाब से डेरिवेटिव आ जाएगा, लेकिन x ऐसे ही रहेगा जो, और इजी जो है इधर जो है सिंपली x और y आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम जो है नेक्स्ट स्टेप में जो है अगर हम एक्स वाई से डिवाइड कर दें थ्रू आउट ये क्वेश्चन को, आपके पास जो है यहाँ से y कटेगा, यहाँ से x कट जाएगा और यहाँ पे x y दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, इस इक्वेशन में जो है तो अगर हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें जो है, तो लेट्स से इसको हम इधर ले जाते हैं जो है, तो एक तरफ आपके पास x का फंक्शन है कोई जो है, और एक तरफ सिर्फ y का फंक्शन है। ये इक्वेशन जो है तभी सेटिस्फाइड हो सकती है, जो है दो फंक्शन इक्वल नहीं हो सकते अनलेस जो है दोनों साइडें जो है आपके पास एक कॉन्स्टेंट हो, अदरवाइज ऑब्वियसली वो दो फंक्शन इक्वल नहीं हो सकते जो है। अच्छा, तो इस अजम्पशन में जो है अगर ये आपको पता है जो है, तो लेट्स से के सी स्केयर को हम कहते हैं कि दो कांस्टेंट पे जो है एक एक्स के एक्स स्केयर जो है, यानी के सी स्केयर को हम कह रहे हैं कि के एक्स स्केयर प्लस के वाई स्केयर है जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये फिर कह सकते हैं कि ये जो आपके पास टर्म है जो है, ये जो हम कह रहे थे ना कांस्टेंट इक्वल होना चाहिए जो है, तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये जो कांस्टेंट है जो है ये एक इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर x डबल प्राइम ओवर x इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बनेगी, और जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी y डबल प्राइम ओवर y जो है इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर। तो अभी हम फॉर द टाइम बीइंग जो है हम यानी एक इक्वेशन को इक्वेट किया, यानी हमारे पास जो है इससे ये जो पार्ट टर्म है जो है, और यहाँ से जो है माइनस और ये जो टर्म है, इसको इक्वेट करके हमने एक इक्वेशन बनाई और वो कहा कि कुछ कांस्टेंट की इक्वल है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए जो है ये बेसिकली ये इक्वेशन जो है अगर आप इसको गौर करें थोड़ा जो है, ये क्या इक्वेशन है जो है तो बता सकता है, सेकेंड ऑर्डर जो है बेसिकली जो है आपके पास जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो है, अब आपके पास जो है यानी x इसको यूं भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो जो है, और x डबल प्राइम का मतलब है ये आपके पास डी एक्स स्क्वायर ओवर सॉरी डी एक्स ऑफ, जैसे हमने x कैपिटल x ही कहा हुआ है जो उसको, वैसे f और g कह लेते तो शायद ज़्यादा बेहतर था लेकिन चलें, और फिर आपके पास जो है ये कैपिटल x के एक्स स्केयर इक्वल टू जीरो जो है, तो ये आपके पास यहाँ पे स्केयर आना चाहिए जो है। तो आपके पास जो है ये जो इक्वेशन है डी स्केयर अवर डी एक्स स्केयर ऑफ एक्स इज अब सम फंक्शन जो है प्लस एक्स के एक्स स्केयर इक्वल टू जीरो, एक सिंपल सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन जो है आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पॉलीनोमियल इसका बनाते हैं जो है, और फिर इसका जो फाइनल सोल्यूशन है जनरल सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे ये है जो है। अच्छा, अगर ये सोल्यूशन है ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, यानी साइन और कोसाइन का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है आपका जो फंक्शन है। अच्छा, तो इसमें ए और बी अननोन है जो है, ये ए और बी अननोन जो है ये कैसे फाइंड होंगे जो है, इसके लिए हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। हमने ये कहा था जो है कि अगर आपको याद हो तो इजी जो है हमने कहा था इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यानी एक्स कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ ओनली एक्स कोऑर्डिनेट एंड कैपिटल वाई इज अ फंक्शन ऑफ ओनली वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, तो हमारे पास जो है इजी जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे बेसिकली। तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। उसका क्या मतलब है, ये अगर x कोऑर्डिनेट है तो ये जो वाल है जो बेसिकली जो है ये वाल रिप्रेजेंट कर रही है x इज इक्वल टू जीरो को, और वेव गाइड की जो है ये वाल जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है जो है x इज इक्वल टू कैपिटल A को, क्योंकि हमने कहा है कि ये डायमेंशन जो है टोटल डायमेंशन जो वेव गाइड के वो A है जो है। ये जो वाल है जो है एक ये वाल जो है ठीक है, और एक ये वाल जो है ठीक है, ये एक वाल जो है x इज इक्वल टू जीरो पे जो है और दूसरी वाल x इज इक्वल टू ए पे जो है। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं जो है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ई जी जो कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा है ना कि इस डायरेक्शन में जो है स्मॉल ई जी भी ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में होगा, जी की डायरेक्शन में वो टेंजेंशियल है जो है इस वाल पे भी और इस वाल पे भी, उसका मतलब है कि वो जीरो होने चाहिए। अच्छा, ये दो बाउंड्री कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे जो है, तो इधर से हम स्ट्रेट अप फॉरवर्डली फिर ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं, जब एक्स पहली कंडीशन लेस इस पे अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो होनी चाहिए जो है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे जो है क्या हो जाएगा, ये साइन टर्म जो है जब इसमें जीरो पुट करेंगे तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, सिर्फ आपके पास जो है बी जो बी जीरो आ जाएगा सिंपली। पहली इक्वेशन जब यानी पहली कंडीशन अप्लाई करें तो बी जीरो आ जाता है आपके पास, जब बी जीरो आपके पास आ गया जो है तो आप इस ये जो इक्वेशन है वापस जो है इसमें ये बी जीरो सब्स्टिट्यूट करें जो है तो आपके पास जो इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी। हमने दो अननोन थे ना, एक ए अननोन था और बी अननोन था, पहली कंडीशन हमने जब अप्लाई की तो उससे हमें ये पता लगा कि बी जीरो होता है, हमने बी वापस सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे जो और ये सिर्फ ये टर्म बच गई है ए साइन के एक्स एक्स। अब हमने ए फाइंड करना है, ए फाइंड करने के लिए जो हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में, तो इसको अगर हमने सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं जो है, तो अगर आप जो है हम कह रहे हैं कि x अब a जीरो होना चाहिए, इसमें हम x की जगह a सब्स्टिट्यूट करें जो है और लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो कर दें जो है क्या आ जाएगा a साइन के एक्स a बन जाएगा जो है, ये आपके पास आ जाना है वो ठीक है। और इसका मतलब यह है कि आपके पास जो है a तो जीरो हो नहीं सकता जो है, क्योंकि a जीरो है फिर तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है जो है, ये साइन के एक्स a जो है आपके पास जो है वो आपके पास जीरो होना चाहिए। अच्छा, ये हमें ये पता लगा जो सेकंड कंडीशन है जो है हमने अप्लाई की, तो ये आपके पास साइन के एक्स ए जीरो है, तो यहाँ से आप फिर के एक्स जो अननोन था आपके शुरू में जो वो आप देख सकते हैं कि साइन फंक्शन अगर आप देखें, या अगर मैं ड्रा करूँ तो साइन फंक्शन जो है आपके पास जो जीरो होते हैं उसके जो रूट्स हैं जो है एंड सो ऑन जो है, ये आप पाई के जो है मल्टीपल पे जीरो होते हैं, तो ये एम पाई होना चाहिए जो है इसका आर्गूमेंट जो है, तो के एक्स ए को एम पाई अगर हो जो है और एम जो है वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है जो है, तो ये आपके पास जो है अगर ये कंडीशन लगाएं जो है तो फिर आप के एक्स की वैल्यू इधर से फाइंड कर सकते हैं जो, तो के एक्स आपके पास ये आ जाएगा एम पाई बाई ए जो है ठीक है। ये अब देखें के एक्स डिपेंड कर रहा है जो है जो ज्योमेट्री थी ए डायमेंशन थी वेव गाइड की उस पर डिपेंड कर रहा है, उसका मतलब यह है कि जब के एक्स आपने फाइंड कर लिया जो है तो पीछे जो आपका जो क्वेश्चन थी जो है ये जो क्वेश्चन थी इसमें आप जो है के एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आप एक्स जो है ए साइन और के एक्स की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की तो ये आपके पास, ये जो आपके पास अगर वो पहले जनरल सॉल्यूशन था तो ये आपके पास इसको कहना चाहिए जो है एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन जो है या पार्टिकल सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, ये हमने अगर आपको याद हो जो है तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई जी इज अ फंक्शन ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में इज एक्स टाइम वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ओनली, तो हमने एक्स का सोल्यूशन निकाल लिया, अब हम वाई का सोल्यूशन भी निकालना है कैपिटल वाई का, उसके लिए जो है बैक टू ओरिजिनल इक्वेशन हम जाएं जो है तो यहाँ पे अब इसमें के कोएफिशिएंट जो है ये हम इक्वेट कर लें तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको भी अगेन सेम तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इसका जनरल सोल्यूशन जो है ये है, लेट्स इसके इसके कोएफिशिएंट को सी और डी कह देते हैं हम जो है इस दफा जो है, अगेन साइन और कोसाइन का जो है लीनियर कॉम्बिनेशन है जो है, इसमें के वाई अननोन है सम, अगेन जो है बाउंड्री कंडीशन जो है अगर आप गौर करें जो है तो बाउंड्री कंडीशन जो है एक्स के बजाय हम वाई पे जो है अब अप्लाई करेंगे,
ये अगर आपके पास वेव गाइड है जो है, तो हम कह रहे थे कि जो है y इज इक्वल टू जीरो जो है, y इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है जो है, ये आपका y एक्सिस है जो है, y इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो बॉटम वॉल है जो है, और y इज इक्वल टू बी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपके पास अपर वॉल जो है, ठीक है, ये आपको ये जो चीज है ये जो है ये वॉल जो है, और एक जो है आपके पास ये वॉल है जो बॉटम वॉल जो है। हम ये कह रहे हैं जो है कि ये जो बॉटम वॉल है जो है इट इज लोकेटेड एट y इज इक्वल टू जीरो पे जो है, और टॉप वॉल है इट इज लोकेटेड एट y इज इक्वल टू बी पे जो है, ये डायमेंशन ये लेंथ जो है आपके पास b है जो है, उसका मतलब है कि और आपका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट था ez जो है, जो आपके पास वो आपके पास टेंजेंशियल है जो है टॉप वॉल पे भी और बॉटम वॉल पे भी, उसका मतलब है कि आपके पास वो जीरो होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बाउंड्री कंडीशन है जो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं जो है कि y शुड बी जीरो एट कैपिटल y शुड बी जीरो एट स्मॉल y इज इक्वल टू जीरो कोऑर्डिनेट पे और y इज इक्वल टू बी, जो इसका फिजिकल मतलब ये है कि आप y इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू बी का मतलब फिजिकली ये है कि आप टॉप और बॉटम वॉल की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जब अगर आप सब्स्टिट्यूट करें जो है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे मैथमेटिक्स है, तो आपके पास लस से पहली कंडीशन अप्लाई करें जो है ये y इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे जो है ये जीरो हो जाएगा जो है, ये टर्म जीरो हो जाएगी जो है, तो उसका मतलब जो है आपके पास जो है और ये जो है डी आ जाएगा जो है, ठीक है, तो आपके पास डी जीरो बन जाएगा सिंपली। फिर आप जो है डी जीरो इस इक्वेशन में डी जीरो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सिर्फ ये रह जाएगा जो आपके पास जो सी साइन के के वाई वाई। अब आपने सेकंड कंडीशन अप्लाई करें जो है वाई ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, ये आप इसमें अगर ये अप्लाई करें जो है ये सेकंड कंडीशन जो, तो आपके पास ये बनेगा साइन के वाई बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगेन जो है आप देख सकते हैं कि आपके पास ये तभी तो ट्रू होगा जब इस फंक्शन का आर्गुमेंट जो है के वाई पी जो है पाई का मल्टीपल हो, तो इससे के वाई की वैल्यू निकल आएगी जो कि एन पाई बाई पी जो है, के वाई डिपेंड कर रहा है इस बी डायमेंशन पे जो फिजिकल डायमेंशन है जो वेव पे, के एक्स डिपेंड कर रहा था ए डायमेंशन पे, ये वाई का सोल्यूशन निकल आया आपके पास जो है, एक्स का सोल्यूशन हम निकाल चुके हैं जो है, तो फाइनल जो सोल्यूशन है जो है जो वेव गाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स और वाई का फंक्शन होगा वो हमारे पास जो है, हम भी इसमें इंटरेस्टेड थे बेसिकली कि एक्स और वाई का फंक्शन क्या होगा, वो इजी था, वो हम कह रहे थे कि एक्स कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई का सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से प्रोडक्ट है जो, तो हम अगर ये सब्स्टिट्यूट कर दें जो ये लेट्स से वाई वाली वैल्यू और एक्स वाली वैल्यू जो है हमने पहले निकाली थी जो, ये आपके पास फाइनल सोल्यूशन आता है जो कि प्रोडक्ट ऑफ जो है ये एक्स और वाई का जो फंक्शन है जो कि बेसिकली दो साइन टर्म्स आएंगे, इसकी सेंस बनती है जो है कि नहीं, साइन टर्म क्यों बना रही है, फिजिकल सेंस क्या है इसकी, ठीक है, तो आपके पास अगर आप गौर करें जो है तो ये आपके पास जो है ई पी सी वाल्स हैं, उसका मतलब है कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे जीरो होना चाहिए और यहाँ पे भी हम कह रहे हैं जीरो होना चाहिए, तो आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन बनना चाहिए था कुछ साइन टाइप की, ठीक है, तो उसकी सेंस बनती है साइन की। सिमिलरली अगर टॉप और बॉटम वाल जीरो हैं जो हम कह रहे हैं कि ये पी सी है और ये भी पी सी है जो है, तो यहाँ भी कोई साइन टाइप की फंक्शन बनना चाहिए जो है, अगर आप कह रहे हैं कि टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ पे जीरो होना चाहिए, तो इस तरह आप इस फिजिकली रिलेट भी कर सकते हैं जो मैथ को जो है। ओके, तो हमारे पास दो साइन फंक्शन जो है उसके वो प्रोडक्ट आ गया जो है, ये जो है आपके पास बेसिकली जो है इजी का फंक्शन है, बेसिकली ये देखें आपके स्टैंडिंग वेव टाइप का सोल्यूशन है। अच्छा, यहाँ पे जो है जो ए सी है जो है, इसको हम लैसे कह देते हैं, इसको एक न्यू लेटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ए एम एन कह रहा हूँ जो है, क्योंकि आप देखें ये जो सोल्यूशन है जो है कोई एक सोल्यूशन नहीं है जो है, डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ एम और एन जो है आपके पास मल्टीपल सोल्यूशन यहाँ बन सकते हैं, तो मतलब है कि टोटल जो सोल्यूशन है जो है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका z कंपोनेंट कैपिटल ई जी जो है वो जो अगर वेव गाइड में अगर कहेंगे जो है, तो ये स्मॉल ई जी टाइम एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गामा z हमने कहा था वो इक्विवेलेंट है, ये फाइनल सॉल्यूशन है आपके पास आप z कंपोनेंट इनसाइड अ वेव गाइड फॉर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। अच्छा, वंस आपको, अच्छा हमने ये भी साथ देखा है कि kx और ky हमने निकाले थे जो, तो kc स्केल हमने कहा था जो कट ऑफ वेव नंबर है जो, वो kx स्केल प्लस ky स्केल होता है जो, तो अब के सी जो है इसका मतलब वो भी आपको नोन है जो है, आप यानी के एक्स और के वाई बस आपको पता लग जाएगा जो है, तो के सी स्केयर भी आप फाइंड कर सकते हैं, वो आप देखें जो है वो आप ए और बी डायमेंशन पे डिपेंड कर रहे हैं वेव गाइड के,
और प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो है वो आपके पास हमने कहा था के सी, वो के स्केयर प्लस गैमा स्केयर होता है जो है, तो यहाँ से आप फिर गैमा की वैल्यू जो है, वंस आपको के सी स्केयर पता लग गया जो है कट ऑफ वेव नंबर, तो यहाँ से आप फिर गैमा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इस पे थोड़ा सा और हम गौर करते हैं जो है, ये जो गैमा जो है क्या क्वेश्चन है जो है, गैमा जो है के सी स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर म्यू एप्सिलॉन जो है, ये हमें क्या बता रही है। अच्छा, एक स्पेशल केस जो है हम अगर लें जो है, इसके हम तीन स्पेशल केस लेंगे। पहला केस जो है यहाँ पे जो है केस ए जो है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का केस, जिसे हम कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि वेव कोई वेव प्रोपगेट नहीं करेगी। अगर आपको याद हो कि वेव प्रोपगेशन जो है हम कह रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गैमा जी जो है, ये प्रोपगेशन हो रही है जो है इस वेव गाइड में, ये जो चीज है जो है ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गैमा जी है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। पहला केस हम देख रहे हैं जो है कि अगर कोई वेव प्रोपगेट, क्या ऐसा केस आएगा कि कोई वेव प्रोपगेट ना करे, उसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। ये तब आएगा जो है जब गैमा की वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी, गैमा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फिर आपके पास कोई वेव प्रोपगेट नहीं करेगी। अच्छा, तो ये केस अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें गैमा की वैल्यू जीरो जो है, तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है इसको लिख सकते हैं के सी स्केयर इज इक्वल टू उस फ्रीक्वेंसी को जिस पे गैमा की वैल्यू जीरो है जो है, उसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी कह सकते हैं। ओमेगा सी स्केयर ऑफ म्यू एप्सिलॉन, यहाँ से फिर जो है आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं मैथमेटिकली, और ओमेगा सी को आप लिख सकते हैं टू पाई एफ, और यहाँ से फिर और के सी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं जो है, जो कि एम पाई बाई ए होल स्केयर प्लस एन पाई बाई बी होल स्केयर रूट तक के सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो इसका मतलब यह है कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड जो है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, और उसमें हमने एक और, अब देखिए मैं ये सबस्क्रिप्ट भी यूज करूँ एम और एन का सबस्क्रिप्ट, क्योंकि हम कह रहे हैं कि डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ एम एंड एन जो है डिफरेंट सॉल्यूशन पॉसिबल हैं जो है, और हर सॉल्यूशन का एक डिफरेंट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो है फॉर डिफरेंट ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड के, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ एम एंड एन एक यूनिक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। इसको ऑब्वियसली अगर आप पाई कॉमन ले लें यहाँ से जो है तो पाई कट जाएगा जो है, और ये वन बाई म्यू एप्सिलॉन अगर आपको याद हो चैप्टर 10 से जो है, तो ये आपके पास फेज वेलोसिटी है, तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसको। ये एक केस है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो है जब आपके पास गैमा जो है जीरो था। अच्छा, बाकी केसेस में क्या होगा जो है, अगर बिलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम बात करेंगे, बिलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि ये ओमेगा को आप वेरिएबल समझे यहाँ पे ना, एक दफा हम कह रहे हैं कि जब गैमा जीरो था जो है, अब हम एक ऐसी फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं जो है, जो कि वो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो पिछली स्लाइड पे हमने निकाली है ना जो है एफ सी जो है, उससे कम फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं। अच्छा, तो वो फ्रिक्वेंसी अगर उससे हम कम फ्रिक्वेंसी पे हैं जो है ओमेगा सी से, तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ओमेगा जो हमने अप्लाई फ्रिक्वेंसी की है जो है, जो अप्लाइड सिग्नल है वेव गाइड में, वो लेस देन ओमेगा सी है। इसका मतलब ये होगा जो है कि इन अदर वर्ड जो है कि ओमेगा स्केयर म्यू एप्सिलॉन शुड बी लेस देन के सी स्केयर, क्योंकि अगर आपको याद हो के स्केयर जो है वो ओमेगा स्केयर म्यू एप्सिलॉन था, और इसी तरह के सी स्केयर हम लिख सकते हैं ओमेगा सी स्केयर म्यू एप्सिलॉन, तो ओमेगा लेस देन ओमेगा सी का मतलब है ओमेगा स्केयर म्यू एप्सिलॉन शुड बी लेस देन के सी स्केयर। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है जी, जब ये नंबर छोटा है यानी इसमें देखें जो है के सी स्केयर से क्या होगा, ये आपके पास नंबर रियल आएगा, उसका मतलब है कि वो अल्फा लेस से उसको हम अल्फा कह रहे हैं, रियल नंबर है। अगर आपको वेव प्रोपगेशन याद हो, हम कह रहे हैं कि वेव जो प्रोपगेट कर रही है वो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गैमा सी है, और हम कह रहे हैं कि गैमा की वैल्यू जो है कोई रियल नंबर है जो है, उसको हम अल्फा जीटा नोट कर रहे हैं। ये जो है एक्सपोनेंशियली डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका मतलब क्या है जो है कि ये जो केस है जो है, जब आप एक फ्रिक्वेंसी देंगे अप्लाई करेंगे जो है जो कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से कम होगी जो है, तो वहाँ पे डिके आएगा जो है, तो वेव जो है बेसिकली जो है आपके पास उसके एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा जो है, डिके हो रहा है। कर्व कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम एक ऐसा सिग्नल दें जो कि ये ओमेगा जो है, जैसे हमारे पास एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ऊपर है जो है, उसमें क्या होगा आपके पास जो है ये जो नंबर है जो है, यानी ओमेगा अगर ग्रेटर देन ओमेगा सी है जो है, उसका मतलब क्या होगा कि जिस ओमेगा स्केयर म्यू एप्सिलॉन शुड बी ग्रेटर देन के सी स्केयर। अब इसका मतलब है कि गैमा जो है आपको पास जो है इसको जो है, क्योंकि ये नंबर बड़ा है जो है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, तो आपके पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आएगा जो है, तो लेट्स से इसमें से लेट्स से माइनस
माइनस कॉमन लेके मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि अब गैमा जो है आप इमेजिनरी नंबर बन गया है, जैसे उसको बीटा कह देते हैं फॉर आर्गुमेंट से। उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक वेवगाइड था और उसमें हम कह रहे थे कि जनरल सॉल्यूशन था एक्सपोनेंशियल माइनस गैमा जी, ये ट्रेवल कर रहा था, एक दफा गैमा जो है रियल हुआ था और वेव अटेनुएट कर रही थी। अब हम कह रहे हैं कि गैमा जो है जे बीटा जो है, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल माइनस जे बीटा जी है। तो मतलब ये तो बेसिकली ट्रेवलिंग वेव है जो है, ठीक है, आपके पास अगर आपको याद हो तो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ टाइम पे वेव ट्रेवल करेगी। उसका मतलब है कि ये वो सोल्यूशन है अबव कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास ट्रैवलिंग वेव है जो है, ठीक है, या प्रोपगेशन हो रही है जो, और बिलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास जो है, आपके पास डिके है जो है, जिसको एवेंसेट भी डिके कहते हैं हम जो। इसका मतलब क्या है कि वेव गाइड बेसिकली हाई पास फिल्टर के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। यानी अगर मैं एक फिल्टर, आइडियल फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक देखूँ जो, ठीक है, ये आपके पास कोई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी, उससे अगर ऊपर आप कोई फ्रीक्वेंसी देते हैं, जैसे ये ओमेगा एक्सिस है, यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी देते हैं जैसे इस पॉइंट पे, हम कह रहे हैं कि हमारी प्रोपगेशन हो रही है। यानी ओमेगा, जब हम कह रहे हैं कि ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा सी, वी हैव प्रोपगेशन जो है। ऑन द अदर हैंड, जब हम कह रहे हैं कि ओमेगा लेस देन ओमेगा सी है, हम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी देते हैं जो है जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है जो, वहाँ पे हम कह रहे हैं कि अटेनुएशन या डिके हो रहा है जो है, यहाँ पे जो है आपके पास अटेनुएशन है जो। ये टिपिकल बिहेवियर है आपके पास हाई पास फिल्टर का, कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ऊपर तो फ्रीक्वेंसी आप प्रोपगेट होती है जो है, और उससे जो बिलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास फिर सिग्नल प्रोपगेट नहीं करता। वेव गाइड इसका मतलब है बिहेव कर रहा है एज एन हाई पास फिल्टर। अच्छा, आपके पास जो है ये जो बीटा जो है, जो प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट है, जब वेव प्रोपगेशन हो रही होगी तो उसको आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ये के स्केयर माइनस के सी स्केयर से जो है। अच्छा, ये जो है ये बाय द वे ये के स्केयर है जो है, ठीक है, और के सी स्केयर की वैल्यू आपको पहले पता है जो एम पाई बाई ए होल स्केयर माइनस एन पाई बाई बी होल स्केयर। ये एक एक्सप्रेशन है जो है बीटा की निकालने की। इसको अल्टरनेट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है जो, अगर हम के स्केयर और के सी से सी स्केयर की जगह जो है हम ये एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इधर से फिर हम कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करें, जैसे ओमेगा स्केयर म्यू एप्सिलॉन कॉमन ले लें जो है, उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है जो है, यहाँ से ओमेगा सी की जगह अगर टू बाई एफ पुट करें तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकली जो है, ये बीटा की अनदर फॉर्म है जो है, एक फॉर्म ये थी जो है, और ये एक अल्टरनेट एक्सप्रेशन हमने निकाल ली थी। अच्छा, ये एक्सप्रेशन भी आपको बता दिया जो है, जैसे अगर आपको कोई ये एक्सप्रेशन बता दे जो है और कहे कि ये किस तरह का फ्रिक्वेंसी बिहेवियर है जो, तो ये भी आपको टिपिकल आपके पास हाई पास फिल्टर का बिहेवियर है जो है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें इस एक्सप्रेशन को जो है, अगर एफ इज इक्वल टू एफ सी, लैसे ये कोई फ्रिक्वेंसी एफ जो है, और लैसे यहाँ मैं एफ सी कह देता हूँ, अगर एफ एफ सी की इक्वल होगी जो है तो बीटा क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब कोई प्रोपगेशन नहीं हो रही। अगर एफ जो है, जैसे हम एफ इज इक्वल टू एफ सी का मतलब है तो बीटा जीरो है जो है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर एफ ग्रेटर देन एफ सी है जो है, यहाँ पे जो है एक ऐसी फ्रिक्वेंसी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ऊपर है जो है, उसका मतलब जो है ये बड़ी है उससे जो है, तो आपके पास ये नंबर जो है आपके पास एक रियल नंबर आएगा जो, ठीक है। तो उसका मतलब है चूंकि हमारी जो प्रोपगेशन हो रही थी एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या था, माइनस जे बीटा हो रही थी, तो आपका प्रोपगेशन है बेसिकली। और ऑन दी अदर हैंड जो है, जब एफ लेस देन होगा जो है, लेस एफ सी जो है, तो ये नंबर जो है वन से जो है बड़ा हो जाएगा जो है, और आपके पास जो है ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा जो है। तो इमेजिनरी नंबर का मतलब ये है कि बीटा अगर इमेजिनरी हो गया जो है, बीटा तो एक जे पहले या एक और जे और आ जाएगा जो है, तो आपका डिके हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन बताते खुद जो है, ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ये खुद एक हाई पास फिल्टर को बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है जो है, रिगार्डलेस आप जो है, जैसे हमने वेव गाइड से तो रिलेट कर रहे हैं जो है, लेकिन इन जनरल अगर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको गिवन हो तो ये आप इससे स्ट्रेट फॉरवर्डली देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक हाई पास फिल्टर का बिहेवियर है। अच्छा, इसको एफ सी और एफ को जो है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये जनरल अप्लाइड फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जो है, इससे आप लैम्डा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो है, एक लैम्डा और लैम्डा सी की फॉर्म में। अच्छा, वेवगाइड के कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली जो है तीन तरह के आपके पास वेवलेंथ्स होती हैं जो है,
ये वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई के जो है, ये वेवलेंथ अनबाउंडेड मीडियम की जो है आपके पास वेवलेंथ है। एक और वेवलेंथ है जो है जिसे लैम्डा सी कह रहे हैं, ये कट ऑफ वेवलेंथ है वेवगाइड की। ये आप क्रॉस सेक्शन में देखें जो है, क्रॉस सेक्शन में जो है जो वेव प्रोपगेट कर रही है उसकी आप उसकी वेवलेंथ क्या सकते हैं। एक जो है लैम्डा गाइड है जो है, जो कि बेसिकली जी डायरेक्शन में जो है जो वेव प्रोपगेट कर रही है जो है उसकी कट गाइडेड वेवलेंथ है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे केस में ये वाली वेवलेंथ है लैम्डा गाइड जो है, क्योंकि बीटा पे डिपेंड कर रही है, बीटा जो है जी डायरेक्शन वेव गाइड है। ये आपके पास जो है अगर गाइडेड वेवलेंथ निकालनी हो आपने जो है, वेव जो ट्रेवल कर रही है आपके पास जी डायरेक्शन में, लग से हम कह रहे हैं कि एक वेव गाइड है और वेव जो है को ट्रेवल कर रही है जो है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी जो है, तो उसकी गाइडेड वेवलेंथ क्या होगी जो है, वो आप इस फार्मूला से निकालेंगे 2 पाई बाई बीटा से। और बीटा के वैल्यू से अगर ये मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो बेसिकली जो है वो इनडायरेक्टली जो है लैम्डा पे और लैम्डा सी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। लैम्डा ये है जो है आपके पास अनबाउंडेड मीडियम में जो था, क्योंकि इसमें जो था आपके पास जो वेव लेंथ थी, और लैम्डा सी जो है ट्रांसवर्स जो है आपके पास कट ऑफ वेव लेंथ है। अच्छा, इस पे अगर हम मजीद थोड़ा गौर करें जो है कि गाइडेड वेव लेंथ जो है जो फ्री स्पेस वेव लेंथ है जो है उससे छोटी होगी कि ज्यादा बड़ी होगी, उसके लिए जो है अगर आप देखें जो है तो हमारे पास हम अगर कह रहे हैं कि इन जनरल वेवगाइड बिहेव करता है जो है एक हाई पास फिल्टर के तौर पे बिहेव करता है। फ्रीक्वेंसी शुड बी एफ शुड बी जो अप्लाइड सिग्नल है शुड बी ग्रेटर देन सम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी है, तभी वेव प्रोपगेट करेगी। अगर हम कह रहे हैं कि एफ ग्रेटर देन एफ सी है जो है, ये जो है इसका नंबर होगा ये लेस देन वन आ जाएगा, क्योंकि एफ शुड इज ग्रेटर देन एफ सी है। इफ तो वन से सबट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये लेस देन वन नंबर होगा। अगर ये लेस देन वन नंबर है जो है तो आप डिवाइड अगर करते हैं जो है एक नंबर अगर लैम्डा को आप डिवाइड कर रहे हैं विद अ नंबर लेस देन वन जो है, ये जो लैम्डा गाइड इसका मतलब है ग्रेटर देन जो है आपके पास लैम्डा आना चाहिए। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम ये देख सकते हैं जो है जो गाइडेड वेव लेंथ है वेव गाइड में जो है वो आपके जो अनबाउंडेड या फ्री स्पेस में जो वेव लेंथ होती है जो है उससे बड़ा होता है जो है गाइडेड वेव लेंथ। ये समरी आपके पास जो है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक सॉल्यूशन की जो है कि हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक सॉल्यूशन का मतलब था आपके पास के ई जी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो और एच जी जो है वो जीरो है, ठीक है वेव गाइड में। उसका हमने फिर सॉल्यूशन निकाला जो है, तो हमने हेलमोल्ट इक्वेशन को सॉल्व किया सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन जो है, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन था क्योंकि दो आपके पास दो आपके पास क्या कहना चाहिए जो है एक्स और वाई प्लेन में जो है आपके पास स्टैंडिंग वेव है जो है और जी प्लेन में आपके पास जो है ट्रैवलिंग वेव है, और इसमें बीटा की वैल्यू ये थी आपके पास जो है के स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर जो है, जो कि आप बीटा देखें जो आपके पास फिजिकल जो डायमेंशन है वेव गाइड है उस पर डिपेंड करता है, और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमने निकाली थी वो भी फिजिकल डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन उसके साथ एम और एन जो है ये नंबर भी मैटर करता है कि आपने m और n का नंबर क्या लिया जो है उसके मुताबिक डिफरेंट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती हैं। तो m और n हैं क्या जो है फिजिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m और n जो है बेसिकली नंबर ऑफ हाफ साइकिल फील्ड वेरिएशन जो है m जो रिप्रेजेंट करेगा, x डायरेक्शन के अलॉन्ग जो है यानी m जो है नंबर ऑफ हाफ साइकिल फील्ड वेरिएशन अलॉन्ग a डायरेक्शन है जो है, और n रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ हाफ साइकिल फील्ड वेरिएशन जो है अलॉन्ग b डायमेंशन। इसका फिजिकली मतलब ये है कि अगर मैं वेव गाइड बनाता हूँ जो है और मैं कहता हूँ कि m इज इक्वल टू वन एल एस तो मतलब है कि एक हाफ साइकिल वेरिएशन है एक स्टैंडिंग वेव गाइड जो है, ठीक है। अगर वो आप नोड एंटी नोड के टर्म में सोचें जो है और m इज इक्वल टू टू का मतलब ये है ये लसे a डायमेंशन है, m इज इक्वल टू टू का मतलब ये है फिलहाल a डायमेंशन जो है हमारे पास जो है दो जो है आपके पास उसके जो है यानी ये दो साइकिल बनेंगे टू हाफ साइकिल वेरिएशन पे नंबर ऑफ हाफ साइकिल वेरिएशन पे। सिमिलरली एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है वो अलॉन्ग ये जो सेकंड इंडेक्स है ये जो एन ये अलॉन्ग वाई या बी डायमेंशन जो है आपको अगर एन वन है जो है तो उसका मतलब है कि बी में एक वेरिएशन है हाफ साइकिल वेरिएशन बी और एन टू यानी ये एन वन के लिए जो है और एन टू है तो यहाँ पे फिर दो वेरिएशन होंगे यहाँ पे। ये बेसिकली कितने आपके पास स्टैंडिंग वेव के कितने पैटर्न रिपीट होते हैं जो है वो बेसिकली आपको रिप्रेजेंटेशन है एम और एन से। ये आपने याद रखना है कि
एम जो है एक्स से रिलेटेड है या ए से रिलेटेड है जो, और एन जो है आपके पास बी से रिलेटेड है, और ये बता रहे हैं नंबर ऑफ हाफ साइकिल फील्ड वेरिएशन। अच्छा, अगर आपके पास एम या एन कोई एक टर्म जीरो हो जाए, मैंने ये वन से स्टार्ट किया, जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट किया, अगर आपको याद हो तो वो होना चाहिए था ना, जो है साइन के जब मैंने कहा था कि उसके जो रूट्स बनते हैं जो है, जीरो वाला सॉल्यूशन क्यों नहीं लिया। एम जीरो भी तो हो सकता है और एन जीरो भी तो हो सकता है, उसकी रीजन ये है कि अगर आप यानी एम जीरो और जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, जैसे ये जीरो और जीरो जो है, ये पूरा फील्ड जो है ईजी जो है, फिर क्या बन जाएगा जो? जीरो हो जाएगा, तो इसलिए फिर हमने उसको अवॉइड किया जो है ना, ठीक है, हमारे पास यानी वो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन ईजी जो है सिंपल जीरो बन जाएगा उस केस में जो। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं जो है कि आसपास मैग्नेटिक मोड होते हैं जो है, अभी तक हमने स्टडी किए हैं जो, उसमें जो है एम और एन के इंडेक्स रखे जा सकते हैं अपनी मर्जी से कोई भी जो है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि लोएस्ट जो है आर्डर जो है यानी एम और एन की क्या वैल्यू, सबसे कम वैल्यू क्या होंगी, इसका अदरवाइज ये भी मतलब है ना कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो चूंकि डिपेंड कर रही है जो एम और एन पे जो, उसका मतलब है कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी सबसे कम होगी उन उन लोएस्ट मोड के लिए, तो एम एंड एन की क्या वैल्यू होनी चाहिए सबसे कम वैल्यू पे? सर वन 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 दोनों की होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि लोएस्ट ऑर्डर जो है या ऐसा मोड जिसकी कब से कम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड के केस में, वो आपके पास जो है वो टी एम वन वन मोड है जो है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि टी एम वन वन मोड जो है आपके पास जो है वो आपके पास लोएस्ट या जिसकी सबसे कम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी जो है। अगर आप देखें ना कि ये अगर फ्रिक्वेंसीज के एक्सेस पे करूँ तो टी एम वन वन मोड जो है वो यहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसी लस से यहाँ पे होगी एफ वन वन लस से कह देता हूँ एफ सी वन वन, ये बेसिकली एक हाई पास फिल्टर के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। लस से बाद में अगर मैं टू वन के लिए फ्रिक्वेंसी निकालूँ तो वो शायद यहाँ होगी जो है, वहाँ भी एक वेव गाइड जो है एक हाई पास फिल्टर के तौर पे बिहेव कर रहा है जो। तो ये मल्टीपल आपके पास कैस्केडेड हाई पास फिल्टर है जो, इस तरह आप इसको सोच सकते हैं। तो हमने अभी तक सिर्फ जी कंपोनेंट निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो बाकी कंपोनेंट अगर आपसे कहे जाएं कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक में जो है अगर जी कंपोनेंट आप बाकी कंपोनेंट फाइंड करें एच एक्स एच वाई ई एक्स और ई वाई, वो सिंपली आप जो है ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल रिलेशन जो है वो जो हमने पहले निकाली थी जो है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे जो है, तो आपके पास ये फिर बाकी कंपोनेंट निकलेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो है इलस्ट्रेशन है जो है जो ये जो एम और एन जो रिप्रेजेंटेशन है जो है कि अलॉन्ग हमने कहा था कि नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव जो अलॉन्ग एक्स और वाई हाफ साइकिल वेरिएशन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है जो, ये जो है फील्ड प्लॉट हुए हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक में। अच्छा, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ जो है पहले इस पे कंसंट्रेट करेंगे, और इसमें देखें जो है ये कौन सा मॉड है टी एम वन वन मॉड है। वन वन का क्या मतलब है जो है, वन क्या रिप्रेजेंट करता था याद है किसी को जो, कि एक्स या ए के अलॉन्ग कितनी हाफ साइकिल वेरिएशन है, तो यहाँ देखें ये एक वेरिएशन है जो, होपफुली ये क्लियर है जो है, यहाँ पे जो है ये एक हाफ साइकिल वेरिएशन है, ये पहला वन ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स के अलॉन्ग या ए के अलॉन्ग जो है आपके पास जो है एक वेरिएशन है। दूसरा वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जो है कि वाई के अलॉन्ग भी आपके पास जो है यहाँ भी एक ही वेरिएशन होनी चाहिए जो है, तो ये देखें यहाँ पे भी एक ही वेरिएशन है, ठीक है, इसी तरह जो है यहाँ भी एक वेरिएशन है ये जो है, तो आपके पास यानी एक हाफ साइकिल वेरिएशन है अलॉन्ग एक्स जो है और एक ही हाफ साइकिल वेरिएशन है अलॉन्ग वाई, यहाँ देखें या यहाँ देखें एक ही बात है, ये टी एम वन वन मोड है जो। अच्छा, ये अगर टी एम वन वन मोड है जो है ये आपके पास जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि टी जैसे ये गिवन हो आपको टी एम वन वन मोड और मैं आपसे कहूँ कि टी एम टू वन मोड प्लॉट करते हैं, ठीक है, उसमें क्या करेंगे आप जो है, आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ हाफ साइकिल वेरिएशन जो है वन की जगह आप हमारे पास जो है टू होनी है जो, इसके अलांग हमने दो बनानी है जो है, आपने ए के ए जो डायमेंशन है उसके अलांग जो है आपकी दो वेरिएशन होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे उसी पैटर्न को जो ये पैटर्न था रिपीट कर लेंगे जो ट्वाइस जो, तो ए के अलांग दो है जो है लेकिन वाई के अलांग एक ही है जो, ठीक है, तो ये इसका मतलब है यानी ये इंडेक्स जो है ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि कितनी हाफ साइकिल वेरिएशन है अलॉन्ग ए एंड अलॉन्ग बी जो। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में भी यही सिचुएशन होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखें एक वेरिएशन अगर लेट्स से फॉर टीएम 11 मोड जो है और
TM21 में वो आपके पास एक अलार्म जो है, यानी एक वेरिएशन ये है और दूसरी वेरिएशन ये है, दो वेरिएशन हो जाए, ये बस इसकी स्टैंडिंग वेव जो है उससे अगर रिलेट करें, लेकिन बस ये टू डायमेंशनल में जो है आपके पास सिनेरियो है। अच्छा, तो ये अभी तक हमने ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड देखा, मैं ख्याल में अभी एक ब्रेक करते हैं और फिर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड जो है उसके बाद फिर देखते हैं। प्लस से हम 5 मिनट ब्रेक करते हैं, 3:05 पे जो है हम दोबारा जो है स्टार्ट करते हैं।